हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस वन। हम लोग देख रहे हैं केबल्स या फिर सस्पेंशन ब्रिजेस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमें किस तरीके से दिया है। ए सिमेट्रिकल केबल ऑफ स्पैन 100 मीटर विथ सेंट्रल डिप 15 मीटर इज लोडेड विथ यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल। क्वेश्चन में हमको डायग्राम गिवन नहीं है। अगर हमको चाहिए तो हम लोग डायग्राम बना भी सकते हैं या फिर नहीं भी बनाना है तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप डायग्राम अगर बना रहे हो तो सिस्टमेटिक वे में बनाओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे और साथ में जब हम लोग इसका रिएक्शन फाइंड करेंगे तब हम लोग नॉर्मल वे से रिएक्शन फाइंड करेंगे। लेकिन जो हम लोग अगर अगला प्रॉब्लम लेंगे उसमें हम लोग बिना डायग्राम का और डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हो। ना ही आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है ना ही कुछ। ठीक है, जो मैं बोलना चाहता था सिस्टमेटिक वे में बनाइए। इसका मतलब क्या है, अगर आपको दिया है कि यूडीएल 30 किलो न्यूटन का है तो आपको एक चीज तो मालूम होगा, यूडीएल अगर आप इस डायरेक्शन में बना रहे हो तो आपका पॉइंट लोड इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप यूडीएल को इस डायरेक्शन में बना रहे हो तो आपका पॉइंट लोड इस डायरेक्शन में कन्वर्ट होगा। इसलिए इसमें ध्यान देना कि आप यूडीएल कौन सा ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो केबल होता है उस केबल में, केबल तो इस डायरेक्शन में होता है और इसका रोड होता है वो यहाँ पर होता है, मतलब गाड़िया यहाँ पर चलती है, गाड़िया इस डायरेक्शन में चलती है, मतलब कि यूडीएल आपका नीचे लगना चाहिए, मतलब पॉइंट लोड नीचे जाना है। तो जाहिर सी बात है यूडीएल का जो ड्रॉइंग बनेगा आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको यूडीएल कौन सा लगाना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें डिप दिया है। डिप मतलब क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है वहां से नीचे का डिस्टेंस जो कि डिप बोला है 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर हमें रिएक्शन लगाना है। अगर इस पॉइंट का हम लोग ए दे दे और ये साइड बी दे दे तो यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा आर बी, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल हमेशा आउटवर्ड लगना चाहिए जो कि एच। ठीक है, एच ए और एच बी नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग एच लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो सेम एच की वैल्यू होती है। यहाँ पर एक रिएक्शन भी लगेगा जो कि होगा आर ए। ठीक है, इतना क्लियर है। इस यूडीएल का हमें इंटेंसिटी भी दिया है जो कि है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो, क्लॉकवाइज जाने वालों को पॉजिटिव, तो आर बी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए माइनस आर बी। आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए है 100, तो आर बी इंटू 100। अब ये यूडीएल, यूडीएल जाहिर सी बात है नीचे जाएगा तो माइनस यूडीएल होगा। यूडीएल का लोड कितना है 30 और एक्स कहाँ पर कट रहा है, यूडीएल का पॉइंट लोड कैसे कन्वर्ट होगा 30 इंटू 100 और यूडीएल एक्स कहाँ पर करता है एल बाई टू, एल कितना है 100, 100 बाई टू मतलब हो जाएगा 50। इतना क्लियर है, इक्वल्स टू जीरो कर दो इसको, आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये प्लस होगा क्योंकि यूडीएल हमारा नीचे जा रहा है तो नीचे मतलब क्लॉकवाइज जाने वाले को प्लस होता है, तो ये प्लस होगा। यहाँ से माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 30 इंटू 100 इंटू 50 इक्वल्स टू जीरो, 1500 आर बी इक्वल्स टू 1500। आर ए के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना ही है तो कर देते हैं। अपवर्ड समेशन एफ वाई कुछ जीरो लेंगे, अपवर्ड जाने वाले को पॉजिटिव, तो यहाँ से आर ए ऊपर जा रहे हैं तो प्लस आर ए, आर बी भी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आर बी, लेकिन आर बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा 1500 और ये यूडीएल नीचे जा रहा है इसलिए माइनस यूडीएल, यूडीएल का पॉइंट लोड नीचे जाएगा ना तो नीचे जाने वाला माइनस होता है, तो ये होगा 30 इंटू 100 इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें आर ए मिल जाएगा। हालांकि सेम ही मिलना है तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 30 इंटू 100 इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आर ए भी मिलेगा 1500 1500। अब हम लोग एच निकालना है, तो एच के लिए क्या करना पड़ता है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ता है सेंटर पे। अगर इस सेंटर का नाम हम लोग सी दे दें तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी इक्वल्स टू जीरो लेना है। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन तो आपको पता होगा, सेक्शन के दोनों साइड ऊपर जाने वालों को पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर कोई एक साइड देख लो, राइट साइड देखते हैं तो आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस आर बी, आर बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना होगा 100 का हाफ जो कि होगा 50। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये एच है, ये एच
इस टाइप से एच नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो नीचे जाने वाले माइनस होते हैं, लेकिन एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब ये यूडीएल, यूडीएल भी हाफ होगा, सबसे पहले यूडीएल नीचे जाएगा इसलिए माइनस, यूडीएल का पॉइंट लोड कितना होगा 30 इंटू, हम लोग डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, सी से बी तक डिस्टेंस होगा 50, तो 30 इंटू 50, और यूडीएल लगता कहाँ पर है, L/2, मतलब 50/2 दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 इसको कर दो। आपको आरबी की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, आरबी कितना है 1500 इंटू 50 माइनस एच इंटू 15 माइनस 30 इंटू 50 इंटू 25 इक्वल्स 0, यहाँ से आपको एच मिल जाएगा 1500 इंटू 50 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस 30 इंटू 50 इंटू 25 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको एच मिल जाएगा जो कि है 2500, एच इक्वल्स टू 2500, एच ए इक्वल्स टू एच बी, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आपका रिएक्शन सारे मिल गए आपको। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल, तो मैक्सिमम टेंशन का मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था टी मैक्स, टी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग टेंशन इस डायरेक्शन में टी बी निकाले चाहे टी ए निकाले, टी ए निकाले चाहे टी बी निकाले एक ही होगा, सिमिलर है, तो यहाँ से कोई भी एक रख दो, रिएक्शन एट ए रखो या रिएक्शन एट बी रखो एक ही चीज है, 1500 का स्क्वायर प्लस एच, एच कितना है 2500 स्क्वायर, तो यहाँ से आपको टी मैक्स मिल जाएगा, टी मैक्स अंडर रूट 1500 स्क्वायर प्लस 2500 स्क्वायर इक्वल्स टू, टी मैक्स मिलेगा 2915.47, ठीक है, ये हो गया टी मैक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो लोड हमें किलो न्यूटन में दिया है, मतलब ये भी होगा किलो न्यूटन, ये हो गया टी मैक्स। क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए बोला था, लेकिन अगर आपको मिनिमम टेंशन निकालने के लिए बोलते तो वो भी मैं बता देता हूं, अगर आपको टी मिनिमम बोलते हैं तो टी मिनिमम इक्वल्स टू होता है एच, दैट इज इक्वल्स टू एच जितना है उतना 2500, एच की जो वैल्यू होती है वही हमारे टी मिनिमम की भी वैल्यू होती है, ये चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं बताइए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो टी मिनिमम होता है वो हमारी एच की वैल्यू होती है, अगर आपको ये पूछा जाता तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दैट्स ऑल, यहाँ पर आपका सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।